हाँ थे जरूर आओ। नमस्ते, मेरा नाम है गोविंद उडी और आज हम बात कर रहे हैं सेचे पाउच पैकिंग मशीन के बारे में। सेचे पाउच पैकिंग मशीन एक पाउडर पैकिंग मशीन है जिसमें आप 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम तक आप पैकिंग कर सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं जो छोटे स्केल के जो मसाले का काम करते हैं, स्पाइसेस का काम करते हैं, जब मसाले के अंदर में करीब जब सबसे ज़्यादा तेज़ी 2020 के अंदर में आई थी, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी 2020 के अंदर में, जब कोविड का इन्फ्लेशन आया था तो लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि भाई मसाले का कारोबार बहुत चलेगा, लेकिन उसमें करीब 60% लोग नए ऐड हुए थे 2020 के अंदर में मसाला कारोबार के अंदर में। लेकिन करीब 2022 आते आते करीब इसमें 40% लोग वापस इस बिज़नेस में कम हो गए, मतलब उन्होंने अपना बिज़नेस को बंद कर दिया है, चाहे उनको काफ़ी सारे नुकसान हुए। उस नुकसान के पीछे सबसे बड़ा जो कारण था, कोविड के वक्त में मशीनों का प्रॉपर सिलेक्शन नहीं करना। कोविड के वक्त में क्या हुआ, वो सोचते थे कि भाई मैं 1 लाख रुपए की मशीन लेके आऊँगा या कफिलर मशीन लेके आऊँगा, मेरा एक्यूरेसी प्रॉपर आ जाएगा, मैं पैकिंग करके मार्केट में माल बेचूँगा। पर होता क्या है कि जब आप छोटी मशीन लेके आते हैं और कफिलर वगैरह जैसी मशीनें, हल्की मशीनें या ऑगर फिलर में भी बहुत हल्का ग्रेड आता है, वो मशीन आप जब लगाते हैं तब उस समय क्या होता है कि आपका जो एक्यूरेसी होता है उसमें जो फ़र्क होता है वो करीब 4 से 5 ग्राम होता है। जब आप दिन भर के अंदर में 25,000 पाउच पैक करते हैं तो करीब आपका 30 से 40 किलो मसाला एक्स्ट्रा चला जाता है, उसमें पाउच भी ख़राब होते हैं, एक्यूरेसी बहुत डिस्टर्बेंस होती है। ऐसे वो लॉस का डेली उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ऐसे करते करते ये लॉस बढ़ता गया, करीब 1 साल के अंदर में काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया ये, क्योंकि उसके अंदर में मसाला काफ़ी उनका एक्स्ट्रा चला गया। तो मसाले के जो मार्जिन होता है, एक लिमिटेशन मार्जिन होता है 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये किलो समथिंग, ऐसा मेरा आइडिया है इतना तक मार्जिन होता है। तो 2020 में जो मसाले का व्यापार शुरू किया था कोविड के वक्त में, बहुत जल्दीबाजी में लोगों ने शुरू किया था उस समय बिज़नेस को, और 2020 के अंदर में जो मशीन ली गई थी वो एक कफिलर मशीन ले ली लोगों ने, करीब 40% लोगों ने उस समय कफिलर मशीन खरीदा, 10% लोगों ने ऑगर फिलर मशीन खरीदा, 10% लोगों ने करीब अच्छी क्वालिटी का ऑगर फिलर मशीन खरीदा। 2022 तक आते आते करीब 40% मसाला कारोबार के अंदर में जो बिज़नेस शुरू किया उन्होंने अपना वेंडअप करके कारोबार को, और वो दूसरी लाइन में चले गए। अब वो उसके पीछे कारण था उनका आर्थिक नुकसान। तो उनका नुकसान ऐसा हुआ कि जैसे कप फिलर मशीन है उसमें कभी भी आपका पाउडर का एक्यूरेसी नहीं आएगा, ऑगर फिलर मशीन ही चलेगी आपके अपने पाउडर एक्यूरेसी के लिए। इसके अंदर में जो ऑगर फिलर अस्ट्रा 56 है इसमें आपको 1 ग्राम का एक्यूरेसी मिलेगा। 1 ग्राम मसाले में बहुत मायने रखता है, अगर आप 10 की लड़ी पैक करते हैं तो करीब 5 ग्राम का आपको वेरिएशन मिलेगा प्लस माइनस का। तो अगर इतना एक्यूरेसी आपको रहता है तो आपको जो डेली का एवरेज आप निकालते हैं तो बहुत नॉर्मल लॉसेस है, कोई लॉसेस नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप कफिलर मशीन का उपयोग कर रहे हैं तो आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। 2022 के अंदर में मसाले में बहुत सारी तेज़ी है, मिर्ची के अंदर में बहुत तेज़ी आई, हल्दी का रेट ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं हुआ पर मिर्ची में बहुत तेज़ी आई। जब तेज़ी आई तो मिर्ची बहुत तेज़ आने से मिर्ची का जो रेट इतना हाई लेवल हो गया कि उसको जो नए बिजनेस कर रहे थे उनका आधा टाइम तो मशीन ठीक करने में और उसको चलाने में चला जाता था। मार्केट का उनको स्टडी के बारे में कुछ पता नहीं था, माल कैसे बेचना है, क्या रेट आ रहा है, मिर्ची कब तेज़ी आएगी, कब मंदी आएगी, उनको कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो तो एक मशीन को लेके बैठते थे और पूरे दिन पेचकस पाना लेके मशीन को ठीक करते रहते थे। उसीलिए उनको 2020 के अंदर में जो उन्होंने सिलेक्शन किया था एक कप फिलर मशीन का और एक सादा ऑगर फिलर मशीन का, वो उनको 1.5 साल में भुगतना पड़ गया। क्यों भुगतना पड़ गया, क्योंकि उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक अच्छी क्वालिटी की ऑगर फिलर मशीन लेनी चाहिए, आपका कारोबार भी बढ़ाती है, प्लस आपका नहीं करते भी आपका पर डे का 1000 से 1500 रुपये का, अगर आप 25,000 पाउच पैक करते हैं तो करीब 1500 रुपये की आपको सेविंग करके देती है। 25,000 पाउच आप पैक करते हैं और 1500 रुपये की अगर सेविंग है, नॉर्मल सेविंग भी है, तो आपका 30 दिन के अंदर में 45,000 होता है। तो एक सस्ती मशीन का आप कैलकुलेशन करिए, एक महंगी मशीन का कैलकुलेशन करिए, कितना सारा डिफरेंट आया है इस कॉस्ट के अंदर में। अगर 5 साल का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है। इसलिए जो बहुत बड़ी कंपनियां होती है स्पाइसेस के अंदर में, वो स्टडी करके अच्छी क्वालिटी की एक मशीन खरीदते हैं। इसलिए उनकी आज कंपनियां को कुछ, जैसे कोविड भी आ रखा वापस से 2022 जाते जाते भाई कोविड का असर बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन बड़ी कंपनियों को बिल्कुल भी असर नहीं हुआ उनके कारोबार में,
क्योंकि उनकी जो परचेसिंग पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि छोटे जो व्यापारी होता है उनको पता ही नहीं होता है कि मशीन क्या कौन सी खरीदनी है, मसाला कौन सा खरीदना है, इसी वजह से उनका आर्थिक नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं शुरू से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सर्वो ऑगर फिलर मशीन खरीदें। अस्टा 56 एक बेहतरीन मशीन है, ये करीब 18 कंट्री के अंदर में ये मशीन चल रही है, 18 देशों के अंदर में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अभी, जिसमें ऑगर फिलर की हमारी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। इंडिया में भी हम लोग ज़्यादातर 60% अब जो हमारा कारोबार है वो मसाला के अंदर में रहता है, हम लोग 60% मशीनें पाउडर लाइन के अंदर में बेचते हैं, 20% जो कारोबार है वो हमारा नॉर्मली नमकीन और इनके लिए है, और 10-20% का जो बीच का बच रहा है वो पानी का हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक का हो गया, उसके बाद में आपका सेकेंडरी का मशीन का हो गया, जार का हो गया, उसका कारोबार है। 60% जो हमारा सबसे ज़्यादा पाउडर के लिए चलने वाली मशीन है अस्टा 56, इस मशीन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप एक ही मशीन से 10 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक काम ले सकते हैं, 5 ग्राम से 100 ग्राम तक काम में ले सकते हैं। आपको अलग अलग मशीन नहीं खरीदनी है अगर आप एक ही मशीन में इतने सारे प्रोडक्ट पैक कर रहे हैं। सेकंड चीज़, इस मशीन में जब आप पाउच को चेंज करते हैं तो मात्र आपके 5 पाउच ख़राब होते हैं, 5 पाउच से ज़्यादा आपके पाउच ख़राब नहीं होंगे। आपको जब भी रोल लगाना है इसका अनवाइंडिंग पे पूरा एक मार्किंग करके रखिए कैसे रोल लगाना है, पूरा मार्किंग करके, और पाउच को आराम से पकड़ा के स्टार्ट करना है। 2 या 3 पाउच स्टार्टिंग में आपका IMRF मिसिंग की वजह से आएगा, 5 पाउच जैसे आप मैक्सिमम 5 पाउच आपके ख़राब होंगे। अगर 5 पाउच कंटिन्यू ख़राब होते हैं तो मशीन अपने आप खड़ी हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर में एरर आ जाएगा, प्रिंट मार्क एरर आ जाएगा। इसी कारण से आपको अस्टा 56 का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो है इसमें PLC, इसमें सर्वो, इसमें HMI, इसमें VFD ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का सिस्टम से यूज करना, इसी वजह से ये जो मशीन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मशीन के अंदर में सबसे बड़ा सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन सेफ्टी यानी क्या होता है कि जब मशीन को आप चालू करते हैं या बंद करते हैं, जैसे आपके यहाँ पे पीछे से अगर पावर चली जाती है, ऑर्डिनरी मशीन सस्ती वाली जो मशीनें आती है, नॉर्मल मशीनरी आती है, तो स्विच पे चलता है, जैसे आपने उसका स्विच ऑन किया तो जब पावर चली जाती है तो जब रिटर्न पावर आती है तो मशीन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। उस समय ज़्यादा डेंजर जोन रहता है क्योंकि उसमें हाथ वगैरह आने के चांसेस है। इस मशीन के अंदर में हर एक चीज़ का ऑटोमाइजेशन है, जैसे आपका प्रिंट मार अगर आपका आउट हो गया, 3 पाउच आपने सिलेक्शन किया और अगर डॉट टू डॉट नहीं कटा, गलत जगह से कटिंग हो रहा है, पाउच की लेंथ छोटी बड़ी आ रही है, तो मशीन ऑटोमेटिकली 3 पाउच के बाद में स्टॉप हो जाएगी और इस HMI के अंदर में एक एरर जनरेट करेगी कि ये प्रिंट मार का एरर आ रहा है। उसके बाद में अगर मान लीजिए आपने इस मसाला भरा इसमें और कुछ भी आइटम, या मान लीजिए कि ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया या कोई चीज़ गलती से डाल दी, ऐसा कुछ हो गया, तो अनवाइंड जो एजिटेटर मोटर है उसमें अगर कुछ भी फंसेगा तो ऑटोमेटिकली ओवरलोड का जो मैसेज है वो इस HMI पे आ जाएगा। उसके बाद में आपका जो पेपर खींचने का जो VFD ड्राइव सिस्टम यूज़ किया पेपर पुलिंग के लिए, उसमें भी अगर किसी तरह का एरर होगा वो HMI में शो करेगा। हीटर के अंदर में भी कोई भी अगर आपका हीटिंग नहीं बढ़ रहा है या कुछ एरर आ रहा है वो HMI में आपको मिलेगा। यानी आपके सारे जो भी फॉल्ट होता है उसका जो मास्टर है वो है HMI। HMI के अंदर में सारी फैसिलिटी मिलती है आपको कि क्या फॉल्ट आ रहा है, कितने बजे फॉल्ट आया था। इसमें आपको दूसरा चीज़ एक एडवांटेज और मिलता है, वो है रेसिपी। आप इसमें अंदर में रेसिपी सेव कर सकते हैं 1 से लेकर 10 प्रोग्राम तक। यानी आप एक ग्राम, आपने एक प्रोग्राम नंबर एक में आपने 5 ग्राम सेव किया, दो पे आपने 15 ग्राम किया, 3 पे आपने 20 ग्राम किया, ऐसे करके आप रेसिपी भी सेव कर सकते हैं। रेसिपी सेव करने से क्या होता है कि आपके जो आपको सेटिंग ऐसे याद नहीं रहेगी, या आपने फ़ोटो खींच रखी है तो फोटो में क्या होता है, आज फ़ोटो को अलग खींची, कल दूसरी खींची, परसों तीसरी खींची, तो पीछे रह जाता, याद नहीं रहता। लेकिन HMI के अंदर अगर आप डेटा सेव करके रखेंगे तो आपको सिर्फ सिलेक्शन करना है प्रोग्राम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक का। उसमें आप 5 ग्राम से 200 ग्राम और 10 ग्राम से 200 ग्राम एक ही मशीन के अंदर में। उसके बाद में आपको ये सारे स्विच है, आपको इसके अंदर में सिंगल एक आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है सिंगल साइकिल का। जैसे आपको जब आप मशीन को स्टार्ट करते हैं तो आपको ऑटो स्टार्ट नहीं करना है, सबसे पहले सिंगल साइकिल को चेक करना है। आज 5 पाउच अगर सिंगल साइकिल चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा भी आपका एक्यूरेसी क्या आ रहा है, आपकी सीलिंग वगैरह कैसी है, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं सिंगल साइकिल के अंदर में।
ये टावर जो लैंप आप देख रहे हैं, ये टावर लैंप का मतलब अभी जो ग्रीन सिग्नल है कि आपकी भी मशीन खड़ी है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। रेड लैंप जो होगा, अभी जैसे कोई फॉल्ट आएगा, रेड लैंप शुरू हो गया आपका। अभी यहाँ पे HMI के अंदर में देखो रेड लाइट आ रही है यहाँ पे, यानी आपका कोई फॉल्ट आ रहा है। अभी मैंने लगा रखा है इमरजेंसी, लेकिन ये देखो यहाँ पर रेड लाइट आपका शो हो गया। ऐसे करके सारे फॉल्ट आपको मिल जाते हैं कि मशीन के अंदर में फॉल्ट क्या है। पूरा SS में ऊपर मशीन है, पूरा पैक है, कहीं छिपकली है, जानवर गिरने का आपका नहीं रहता है। और इसके अंदर में सबसे बड़ी एडवांटेज है, जितने भी ग्राइंडिंग स्पाइसेस है, आप चाहे अमचूर हो, गरम मसाला हो, मिर्ची पाउडर हो, टर्मरिक पाउडर हो, धनिया पाउडर हो, या जितने भी आपके ग्राइंडिंग स्पाइसेस है, जो पिसा हुआ पाउडर है, वो आप इस मशीन के अंदर 5 ग्राम से 100 ग्राम की बीच में कोई भी रेंज पे कर सकते हैं बिना कोई चेंजेस के। खाली आपको प्लास्टिक के लिए डाई होता है सूट, वो चेंज करना है उसकी चौड़ाई के हिसाब से। बाकी ना तो आपका इसका इसकी लेंथ वगैरह जो आपको सेट करनी है वो HMI से करनी है, बाकी कोई चेंजेस नहीं करना फिलिंग के लिए। जैसे आपको स्क्रू वगैरह भी नहीं चेंज करना, तो एक सबसे अच्छी क्वालिटी की मशीन अस्था 56 वॉल्यूमेट्रिक ऑगर फिलर मशीन है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, www.superpowerpack.com के वेबसाइट है हमारी, और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।